दोस्तों हमारे साथ एक और गौहरे नायाब, एक ऐसे इंसान जो समंदर पार पाकिस्तानी है लेकिन पाकिस्तान उनके नस नस में धड़कता है, उनकी हर धड़कन में पाकिस्तान बसा है। शाफी साहब हैं, वैसे तो एक बैंकर हैं लेकिन पाकिस्तान बिजनेस सेंटर में हेल्प डेस्क के इंचार्ज हैं। ये पाकिस्तान बिजनेस सेंटर की हेल्प डेस्क क्या है, इनसे ही पूछते हैं। हेल्प डेस्क एक्चुअली एक ऐसा इदारा है जिसमें कुवैत में जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जो चैरिटी के मुतालिक हैं या सिविक सर्विसेज से रिलेटेड हैं या कम्युनिटी सर्विसेज से रिलेटेड हैं, वो मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स करती हैं, मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स अरेंज करती हैं। हेल्प डेस्क एक ऐसा अदारा है जिसे हमारे ओपेक मेंबर हाफिज़ मोहम्मद शबीर साहब ने तख्लीक किया। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर उन तमाम जमातों को साथ लेकर चलता है। कुवैत में पहले ये कल्चर था कि हर जमात एक ही काम कर रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई किरात उनात की महाफिल मनाकद कर रहा है तो चार जो है जमातें वही ये काम कर रही हैं। जमात से क्या मुराद है, पॉलिटिकल पार्टी या कोई? नहीं, नॉट एनजीओस, नॉट पॉलिटिकल पार्टी, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल जो के पाकिस्तान की कम्युनिटी जो वहाँ रहती है उसकी सर्विसेज के लिए अपने आप को ऑफर करते हैं फ्री ऑफ चार्ज। ये बिल्कुल सेल्फलेस एफर्ट्स होती हैं। देखिए ना कि पाकिस्तानी 1,17,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी कुवैत में रहता है, उन लोगों का इंटरेक्शन बाकी लोगों के साथ होने के लिए ज़रूरी है कि कुछ लोग ऐसे आगे बढ़ें जो इनका आपस में रवाबित का बायस बने, कोई प्रोग्राम्स कंडक्ट करें, कोई गैदरिंग्स करें, कोई गेट टुगेदर्स इवेंट्स वगैरह हों। तो इस सिलसिले में हेल्प डेस्क जो है वो तमाम तर जमातों को साथ लेकर चलने वाला इदारा है। और उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तानी किसी भी किस्म की मुश्किल का शिकार होते हैं, वो फाइनेंशियल हो, इमिग्रेशन से रिलेटेड हो, उनके पाकिस्तान में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मसाइल हो, उनके बच्चों की एजुकेशन का कोई मसला हो, तो वो सारे मसाइल जो हमें रिपोर्ट किए जाते हैं हम लोग उसकी तहकीक करते हैं और जो भी जमात उनकी हेल्प कर सकती है वो तो करती ही है। लेकिन हेल्प डेस्क खुद और ओपेक मेंबर जो हैं वो अपनी अथॉरिटी के हिसाब से उनकी हेल्प करते हैं और इस मामले को सॉल्व करने की हतुलमकान कोशिश करते हैं। जहाँ पर यह मसला हमारी पहुँच से ये ऐसी शक्ल इख्तियार कर जाए जहाँ हमें एम्बेसी की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, हम उसमें एम्बेसी को इन्वॉल्व करते हैं और इन मसाइल को हल करते हैं। शाफी साहब, कल आपकी मीटिंग हुई है ट्रेड मिनिस्टर फोरम दस्तगीर से और उनके साथ मुनीर साहब जो TDAP के चेयरमैन है वो भी थे। मैंने वो चीज़ रिकॉर्ड भी की और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आपके साथ साथ है, कासिम रज़ा आपके साथ है, मैं गया। बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या आप समझते हैं कि कुछ ठोस इकदाम अब लिए जाएंगे? वो जो वीज़े पर पाबंदी लगी हुई है इस वक्त कुवैत में, और हालांकि कुवैत का पाकिस्तानी कम्युनिटी इतना काम कर रही है, तो क्या आप समझते हैं कि अब कुछ हालात खुलेंगे, कुछ बेहतर इकदाम इस वक्त हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं वक्त का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वक्त ने बहुत हमें वक्त दिया है और ये पूरी इवेंट में, पूरे एग्जिबिशन में हमारे साथ साथ हैं। पर्टिकुलरली मैं कासिम साहब का ज़ाती तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वटिलिटी के साथ काम किया है। जहाँ तक कल मिनिस्टर साहब से बात का ताल्लुक है, बहुत सारी बातें यकीनन इस तरह की होती हैं जो बड़ी सुपरफिशियल सी होती हैं, मीटिंग्स में अक्सर की जाती हैं और वो कहीं नहीं जाती हैं। जी, लेकिन यही मेरा कॉन्सर्न। जी एग्जैक्टली, आई कैन अंडरस्टैंड यू। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब तक कोशिशें नहीं की जाएंगी तब तक उनके सम्राट सामने नहीं आ सकते। कुछ करके नाकाम रह जाना बेहतर है कुछ ना करके नाकाम रह जाने के। इस सिलसिले में जो एफर्ट्स हो रही हैं वो किसी एक बंदे की नहीं है, उनमें जॉइंट एफर्ट्स हैं। बहुत सारे लोग मेहनत इस लिहाज से कर रहे हैं कि लोगों के मसाइल को किसी एक जगह पर रजिस्टर किया जाना, फिर उनको हुकाम बाला तक पहुंचाना और फिर उनके लिए अपने लेवल पर तमाम तर ऐसी कोशिशें करना जिनसे उनके मसाइल हल हों। ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है टूवर्ड्स द मेजर टास्क। बड़े अजायम हासिल करने के लिए इब्तदा करनी पड़ती है और हम लोग जो हैं, जो ये एग्जिबिशन में आए हैं, पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को कुवैत की मंडियों तक ले जाने में बहुत सारे लोगों ने माजी में काम किया है और करते आए हैं। पाकिस्तान के जितने प्रोडक्ट्स कुवैत में हैं और गल्फ में हैं उससे बहुत ज़्यादा इस मुल्क के अंदर प्रोडक्ट्स बनते हैं। बहुत सारे लोग इससे आगाह ही नहीं हैं कि पाकिस्तान में कितनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और क्या स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी है। यूरोप के कुछ ममालिक पाकिस्तान के अलावा कहीं से कोई चीज़ नहीं खरीदते। सिमिलरली हम ये समझते हैं कि हम यहाँ आकर पहला हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि अपने कुवैती दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराएं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है
और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात यह कि ये ऐसा नहीं है जैसा टेलीविज़न के कुछ चैनल्स पर दिखाया जाता है या मीडिया में उसकी प्रोजेक्शन होती है। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं ये बहुत फ़ख्र के साथ इस बात का आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हमारे कोती दोस्त अहबाब का सिर्फ दो दिन के अंदर 48 घंटे में उनका व्यू पाकिस्तान के बारे में 180 डिग्री टर्न हो गया। इतने सारे लोगों को लाने का सेहरा तो सर आपके सर जाता है कि इतने सारे लोगों को आप लाए और दो दिन में, ये पाकिस्तान की पावर है, ये पाकिस्तानी की मोहब्बत है, ये यहाँ का माहौल है कि उनका परसेप्शन ही चेंज हो गया। सर मैंने आपकी कथा कलामी कर दी। कोई बात नहीं सर, बात यह है कि ये मेरा ज़ाती तौर पर एफर्ट नहीं है, ये इट वॉज़ ए टीम एफर्ट और इस टीम के पीछे बहुत सारे लोगों ने काम किया है। आप देख रहे हैं किसी को कोई बड़ी शाहरा बनती है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है, उसमें हज़ारों इंजीनियर्स, मजदूर, पता नहीं कौन कौन से लोग काम कर रहे होते हैं, जिन्हें अनसंग हीरोज़ जी एग्जैक्टली अनसीन हीरोज़ कहलाते हैं। सो इसी तरह इस कॉन्टिनजेंट को बनाने में, इसको फॉर्मुलेट करके यहाँ तक लाने में सिर्फ एक बंदे का हाथ नहीं है। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू पे रिस्ट्रीब्यूट टू माई ओपेक मेम्बर हाफिज़ मोहम्मद शबीर, जिनकी इमाप और जिनके इनिशिएटिव के बेस पर ये सारी चीज़ें की गई। लेकिन डेफिनेटली इसमें पूरी टीम का हाथ है, हेल्प डेस्क का हाथ है और बहुत सारे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का हाथ है, पाकिस्तान बिजनेस सेंटर का हाथ है। इन सारे लोगों का लाने का जो मकसद था उसमें दो जज्बात थे हमारे, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज और पाकिस्तान के साथ बिजनेस रिलेशनशिप्स। पाकिस्तान इतने खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाता है, वो बाहर की मंडियों में डोमिनेट करते हैं कहीं किसी किसी जगह पर, तो वो कुवैत और गल्फ़ की मार्केट में क्यों डोमिनेट ना करें। इस वजह से हम इन लोगों को लेकर आए हैं और अपने पाकिस्तानी बिजनेसमैन को भी लेकर आए हैं। हमें पाकिस्तान के बारे में, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम पाकिस्तानी होकर भी पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते। हमें पाकिस्तान के नकायस फ़ौरन दिखाई देते हैं लेकिन हमें पाकिस्तान की खूबसूरतियाँ और इसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा ना इल्म होता है ना हम उसका इकरार करते हैं। हालांकि इट्स ए कंट्री टू बी प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड पाकिस्तानी इन दैट रिस्पेक्ट। बहुत कहा जाता है तजारत को फ़रोग दिया जाए, तजारत को फ़रोग दिया जाए। मैं नौजवानों के लिए जो हमारी मुस्तकबिल की उम्मीद है उन तक आपकी गाइडेंस पहुँचाने के लिए कह रहा हूँ कि तजारत आखिर बढ़ाने से फ़ायदा क्या होता है कौम को, मुल्क को, थोड़ा सा इस पर ज़रा से रोशन डाल दीजिए। बहुत शुक्रिया। तजारत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से इसे इनक्रेज किया जाता रहा है। तजारत, आप सबसे पहले जो आप चीज़ इस तजारत में इंजॉय करते हैं वो एक आपकी मेंटल इंडिपेंडेंस है, आप किसी को दे रहे होते हैं। तजारत वो वाहिद मोड ऑफ अर्निंग है जिससे आप ना सिर्फ अपने लिए फ़वाद हासिल करते हैं बल्कि आप और कई घरों के चूल्हे जलने का भी बायस बनते हैं। बहुत सारे बच्चों की तालीम और उनकी ज़िंदगियों को संवारने में आप काम आते हैं। अपने लिए तो सारे लोग जीते हैं, अपने लिए तो सारे लोग कमाते हैं, लेकिन तजारत एक ऐसा शोबा है जिसमें आप लोगों के पेट भरने का बायस बनते हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जो दुनिया में बड़े बड़े काम होते आए हैं और हो रहे हैं उनमें तजारत का ही बहुत बड़ा हाथ है। वर्किंग क्लास के लोग, मैं ये नहीं कहता कि लोगों को नौकरियाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन हत्तुल इम्कान हम एक आज़ाद कौम है, हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारी ज़हनी आज़ादी जो है वो बरकरार रहे, और तजारत में इसकी गुंजाइश बहुत मौजूद है। फिर आखिरी बात यह है कि जितनी दुआओं और मेहनतों से इस मुल्क को हासिल किया गया है, जितनी कुर्बानियों के बाद इसे हासिल किया गया है और जो कौम इसके अंदर बसती है उस कौम ने इसको बहुत आगे लेकर जाना है। हमारी नौजवान नस्ल से मैं इतना ज़्यादा पुरउम्मीद हूँ, आज का नौजवान एग्जैक्टली ये जानता है कि उसे 3 साल के बाद कहाँ पहुँचना है। वाह, आज के नौजवान को ये पता है कि ये चीज़ आज मार्केट में चल रही है, इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। यानी इनसे पहले जो पिछली नौजवान नस्ल थी वो इतनी बाशऊर थी। एग्जैक्टली, और ये बहुत ही खुशी की बात है। पाकिस्तान का यूथ एक बहुत बड़ी पावर है, अगर इसे प्रॉपरली हैंडल किया जाए तो पाकिस्तान में बड़े मार्वलस और बड़े मिरेकुलस किस्म के वाक़यात जन्म ले सकते हैं। हमें पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं ज़ाती तौर पर अपने तमाम नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके तजारत कीजिए। आपके मुल्क में इतना पोटेंशियल मौजूद है और बाहर की दुनिया में आपकी इतनी रसाई है कि आप पाकिस्तान को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। हमें लोगों को खैरात देनी चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों से मदद मांगनी नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाफी साहब ने तो जगा दिया, अक्सर मैं जगाता हूँ लेकिन आज शाफी साहब ने हमें जगाया, गौहर नायाब से आपको मिलाया। बहुत सारे गौहर ऐसे जो आबदार हैं, बहुत सारे हीरे ऐसे जो जगमगा रहे हैं, बहुत सारे सूरज ऐसे जो अभी तक तवानाई बिखेर रहे हैं। सिर्फ ये मिट्टी जो है ना नम है, ज़रा सी ज़रखेज़ कर दें इंशाल्लाह बहुत सारी कोपलें फूटेंगी और पाकिस्तान
बहुत जल्दी यकीन कीजिएगा इंशाल्लाह तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकता है, हम में ये पोटेंशियल है। जागिए क्योंकि मैं जगाऊंगा।